आज बॉलीवुड के सभी वो बड़े एक्टर्स जो अपनी मनमानी करते हैं, एक समय था जब इनका करियर भी गड्ढे में डूबने वाला था। ना तो इन्हें कोई ढंग की फिल्म मिल रही थी और ना ही लोग इनके किरदार को पसंद कर रहे थे। पर कहते हैं ना कि डूबते को बस एक तिनके का सहारा चाहिए होता है। अब इनके जीवन में भी जब इनका करियर चौपट होने ही वाला था, तभी गेम चेंजर के रूप में इन्हें वो फिल्में मिली जिन्होंने इन्हें केवल आगे बढ़ने की राह ही नहीं दिखाई बल्कि लोगों का चहेता भी बना दिया। आज हम आपको ऐसी ही 10 फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनके चलते सितारों के फिनिशिंग करियर को एक उड़ान मिल सकी। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 10, गैंग्स ऑफ वासेपुर। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। हाँ हाँ, हमें पता है कि ये डायलॉग आपकी जुबान पर भी लंबे वक्त तक चढ़ा रहा होगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर वो फिल्म जिसने लोगों के बीच तहलका ही मचा दिया था। लोगों को ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आई कि इसके सेकंड पार्ट ने तो रिलीज के साथ ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिल्म के अलावा जो इसमें देखने लायक था तो वो था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार, जिसने सिनेमा हॉल में बैठे लोगों को सीटी बजाने पर मजबूर कर दिया। फिल्म में फैजल खान के किरदार को नवाज ने इस कदर निभाया कि फिल्म के साथ साथ उनका हिचकोले खाता करियर भी रफ्तार पकड़ गया। लंबे समय से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की मेहनत में लगे नवाज को इस फिल्म ने एक नई पहचान दी जिसने आज उन्हें लोगों का वन ऑफ द फेवरेट एक्टर बना दिया है। नंबर 9, द डर्टी पिक्चर। फिल्म में सिर्फ 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट मैं हूँ। कहने वाली विद्या बालन ने द डर्टी पिक्चर में अपनी अदाओं का ऐसा जलवा बिखेरा कि लोगों की नजरों में वो हमेशा सिल्क के नाम से मशहूर हो गई। इस फिल्म में विद्या बालन ने अपने बोल्ड अंदाज से सभी को घायल कर दिया। हर किसी ने विद्या की कमाल की एक्टिंग को भी खूब सराहा। द डर्टी पिक्चर करने से पहले विद्या कई फिल्मों में फ्लॉप होने का टैग झेल झेल कर थक गई थी, जिनमें किस्मत कनेक्शन और हे बेबी सबसे पहले आती है। लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद भी विद्या की गाड़ी पटरी पर आने का नाम ही नहीं ले रही थी और तभी अचानक उन्हें द डर्टी पिक्चर ऑफर की गई, जिसे उन्होंने करके अपने डूबते करियर को बचा लिया। फिल्म इतनी सुपरहिट रही कि फिल्म के रिलीज के समय विद्या न्यूज हेडलाइंस का एक हॉट टॉपिक बन गई थी। नंबर 8, हैदर। कश्मीर की वादियों में शूट हुई फिल्म हैदर ने बॉलीवुड के वन ऑफ द ग्रेट एक्टर शाहिद कपूर को एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। फिल्म को करने के लिए शाहिद ने केवल अपना लुक ही चेंज नहीं किया बल्कि इसके हर एक सीन में जान डाल दी। अब मिलेंगे मिलेंगे, मौसम, तेरी मेरी कहानी, फटा पोस्टर, निकला हीरो जैसी फ्लॉप फिल्में देने के बाद शाहिद को अपने करियर में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। पर अचानक इनकी जिंदगी में मिरेकल का काम किया फिल्म हैदर ने, जिसे करने के बाद लोगों ने इनकी एक्टिंग की खूब सराहना की। फिल्म तो हिट हुई ही पर फिल्म में जान डालने वाले शाहिद के लिए भी खूब तारीफें सुनी गई, जिसके बाद तो इनके पास एक से बढ़कर एक फिल्मों का मेला ही लग गया। वैसे इन्होंने कबीर सिंह में भी अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों पर अच्छा खासा इम्पैक्ट डाला, पर इनके डूबते हुए करियर का सहारा तो फिल्म हैदर ही रही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। नंबर 7, क्वीन। आज बॉलीवुड में अपने बोल्ड और डेयरिंग अंदाज के लिए जाने जाने वाली कंगना किसी समय पर एक एक फिल्म के लिए तरस रही थी। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई हिट फिल्म नहीं दी थी, गैंगस्टर और फैशन इनकी सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है। पर कहते हैं ना कि बुरा वक्त बता के नहीं आता, तो कंगना की जिंदगी में भी नो प्रॉब्लम, रास्कल्स और शाकला का बूम बूम इनका बुरा समय लेकर आई। इनकी बैक टू बैक कई फिल्में फ्लॉप होती चली गई, जिससे ये मन ही मन काफी दुखी रहने लगी। पर अचानक इन्हें एक फिल्म ऑफर हुई, जिसे करने के बाद दोबारा इनके सामने एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों की लाइन लग गई। क्वीन कंगना की जीवन की वो फिल्म है जिसने इन्हें बॉलीवुड में एक नई पहचान दिलाई। इस फिल्म को लोगों ने भी खूब पसंद किया और कंगना का किरदार भी फिल्म में देखने लायक था। कंगना ने खुद आपकी अदालत में इस बात को स्वीकारा भी है कि क्वीन इनके करियर के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। इस फिल्म के बाद बॉलीवुड में सभी लोग इन्हें असल में जानने लगे। नंबर 6, गोलमाल। गोलमाल एक ऐसी फिल्म थी जिसने लोगों को हंसा हंसा के लोटपोट कर दिया था। इस फिल्म में हर एक सीन देखने लायक था। अब वैसे तो फिल्म के सभी एक्टर्स ने कमाल का अभिनय किया, पर अगर इस फिल्म से सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी किसी को मिली तो वो थे अजय देवगन, क्योंकि लोगों ने इस फिल्म में अजय का एक नया और फनी अंदाज देखा जो उन्हें उनकी पुरानी पर्सनैलिटी से हटके लगा। जनता ने अजय के इस नए रूप को देख खूब प्यार बरसाया और उन्हें दोबारा जमीन से उठा पलकों पर बैठा लिया। इस फिल्म के कई पार्ट्स भी आए, हर पार्ट में लोग अजय को देख खूब खुश हुए और रोहित शेट्टी की फिल्म को भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता रहा। गोलमाल फिल्म ने अजय की डूबती कश्ती को वो सहारा दिया, जिससे कि ये बॉलीवुड में लंबे समय तक एक अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाने लगे। नंबर 5, मोहब्बतें।
सदी की महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन भले ही बॉलीवुड की शान क्यों न हो, पर इनके जीवन में भी कई बार उतार चढ़ाव आए हैं। आज से लगभग 25 साल पहले जब बिग बी का समय थोड़ा खराब चल रहा था, यंग एक्टर्स की भीड़ में बिग बी कहीं खो से गए थे और इनकी फिल्में लोगों में बहुत ही कम फेमस हो रही थी। तब इन्होंने यश चोपड़ा को अपनी सारी परेशानी बताई और उन्होंने बच्चन साहब को फिल्म मोहब्बतें करने का सुझाव दिया। बस फिर क्या था, फिल्म में बिग बी ने अपने नारायण शंकर के किरदार से लोगों का दिल जीत लिया। इन्होंने अपने दमदार किरदार से दर्शकों पर वो छाप छोड़ी जिसे लोग आज भी नहीं भुला पाए हैं। इनके रोल की हर जगह तारीफ हुई और आखिर एक बार फिर हमारे बच्चन साहब का करियर ट्रैक पर आ गया। फिल्म मोहब्बतें ने न केवल जनता का प्यार पाया बल्कि इसके चलते अमित जी का खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी वापस आ सका। नंबर 4, वांटेड। सलमान खान वो हस्ती है जिन्हें लोग केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चाहते हैं। आज ये बॉलीवुड में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अपना जलवा बिखेर चुके हैं, जिनमें से आधी से ज्यादा फिल्म ब्लॉकबस्टर रही है। पर एक समय इनके जीवन में भी ऐसा आया था जब ये एकदम लॉस्ट फील कर रहे थे। इन्हें अपना करियर एकदम चौपट होता दिख रहा था और इस डीमोटिवेशन का कारण था इनकी बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज, जिसमें हेलो, जाने मन, मैं और मिसेस खन्ना आती है। पर सलमान के खराब समय के बारे में उनके दोस्त बोनी कपूर को पता था। बस फिर सलमान की मदद के लिए बोनी कपूर ने उन्हें फिल्म वांटेड ऑफर की, जिसमें सलमान ने अपने जलवे से सभी को चौंका दिया। फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई कि थिएटर के बाहर फैंस का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। सलमान का फिल्म में दबंग अंदाज लोगों के दिलों में बस गया। हर तरफ बस वांटेड फिल्म के गाने, जलवा का जलवा छाया हुआ था। नंबर 3, देवदास। शाहरुख खान की सुपर डुपर हिट देवदास इनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स है। इन्होंने इस फिल्म में जो गजब की एक्टिंग की है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। आज भी लोग बातों बातों में इस फिल्म का नाम आते ही सबसे पहले शाहरुख के देवदास किरदार को याद करते हैं। फिल्म ने कमाई के मामले में भी सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। आज भी अगर आप ये फिल्म देखें तो शायद समझ पाए कि आखिर क्यों इस फिल्म ने शाहरुख के करियर को उड़ान दी। वैसे तो शाहरुख हमेशा से ही अपने फैंस के फेवरेट रहे हैं, पर संजय लीला बंसाली के देवदास ने इनकी एक्टिंग का लेवल एक स्टेप और बढ़ा दिया, जिसके बाद जिस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को देखो वही इनके साथ काम करने के सपने देखता। इस फिल्म से पहले इन्हें कोई नया किरदार नहीं मिल रहा था, पर इस फिल्म के बाद एक से बढ़कर एक नए रोल ने इन्हें नई पहचान दी। नंबर 2, हेरा फेरी। बैक टू बैक करीब 10 से ज्यादा फ्लॉप फिल्में कर चुके अक्षय को लगने लगा था कि अब शायद ये बॉलीवुड में उनके कुछ आखिरी दिन है, क्योंकि जनता को उनके एक से किरदार पसंद नहीं आ रहे थे। वो कहीं ना कहीं सेम रोल देख के बोर हो रहे थे, जिससे अक्षय इतने परेशान हुए कि उन्होंने अपने किरदार में ही चेंजेस लाने शुरू कर दिए, और बेशक ये इनका एक सही डिसीजन था। उसी समय अक्षय ने फिल्म हेरा फेरी को साइन किया। फिल्म में इनका किरदार भले ही थोड़ा हटकर था, पर जबरदस्त था। अब फिल्म जब थिएटर्स में आई तो लोगों को उनके राजू रोल ने इतना इम्प्रेस किया कि आज भी लोग इनके फिल्म में किए हुए एक पोज को अपनी तस्वीरों में कॉपी करते हैं। अक्षय ने दर्शकों का अपने रोल से दिल खुश कर दिया। इनका फनी अंदाज देख लोग लोटपोट होकर हंसे, जिसका फायदा फिल्म के प्रॉफिट में तो हुआ ही, पर अक्षय के करियर को भी दोबारा निखारने में मदद मिली। आज अक्षय बॉलीवुड में साल में 3 से 4 फिल्में तो बड़े ही आराम से दे देते हैं, जिन्हें जनता पसंद भी करती है। नंबर 1, कोई मिल गया। कहो ना प्यार है जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म करने के बाद भी ऋतिक की कई फिल्में फ्लॉप होती चली गई। उन्हें लगा था कि इतनी दमदार एंट्री के साथ ही अब तो बॉलीवुड में उनका नाम चल जाएगा, पर असल में हुआ कुछ उल्टा। इनकी हर फिल्म फ्लॉप जाने लगी। ऋतिक बॉलीवुड में नए होने के कारण इतनी फ्लॉप फिल्में नहीं अफोर्ड कर सकते थे, जिसके कारण वो बहुत टेंशन में रहने लगे। ऋतिक एक्टर हमेशा से अच्छे थे, बस इंतजार था किसी बड़ी फिल्म के हाथ आने का, जो फिल्म कोई मिल गया से खत्म हुआ। इस फिल्म में ऋतिक की एक्टिंग देखने लायक थी। फिल्म में ऋतिक ने अपने एक्टिंग के जरिए सबको चौंका दिया। बात जनता की हो या खुद बॉलीवुड हस्तियों की, हर कोई इनके कैरेक्टर की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा था। कोई मिल गया बच्चों और बड़ों दोनों में ही काफी ज्यादा पॉपुलर रही। अपने किरदार को करने के लिए ऋतिक ने दिन रात मेहनत की। कहीं तब जाकर इन्होंने लोगों के सामने अपने किरदार के रूप में एक मास्टरपीस पेश किया, जिसने इनकी बॉलीवुड में अहमियत बढ़ा दी और इनके करियर को भी बचा लिया। तो देखा आपने, बॉलीवुड के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी ने भी निराशा का अच्छा खासा समय झेला है, पर इनकी लगातार मेहनत, खुद पर विश्वास और सब्र ने इन्हें वो हर चीज दी जिसके ये हकदार थे। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।